जज वीडियो स्कैंडल अता तारड़ एफआईए लाहौर ऑफिस में पेश। असिस्टेंट डायरेक्टर एजाज शेख की सरबराही में चार रुकनी टीम ने अता तारड़ से पूछताछ की। जज वीडियो स्कैंडल केस में लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ एफआईए के रूबरू पेश हुए। पेशी के मौके पर लीगी कारकुनान ने एफआईए दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। डायरेक्टर बाबर बख्त, एडिशनल डायरेक्टर साजिद अकरम, असिस्टेंट डायरेक्टर एजाज शेख ने तहकीकात की। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने डेढ़ घंटे तक सवालात के जवाब दिए। मुस्लिम लीग नून ने डीजी एफआईए वाजिद जिया की तैनाती पर कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया है। अताउल्लाह तारड़ की पेशी के दौरान लीगी अरकान असेंबली और कारकुनान भी एफआईए ऑफिस के बाहर मौजूद रहे। लीगी रहनुमा हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। इस दौरान कारकुनान और पुलिस के दरमियान धक्कमपेल भी हुई। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और एफआईए जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। इमरान अहमद नियाज़ी साहब की हुकूमत के अच्छे हथकंडे हैं, हम डट के मुकाबला कर रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि ये इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने जो टास्क दिया है वाजिद जिया साहब को, हम वाजिद जिया साहब की तैनाती बताओ डीजी एफआईए इसके बारे में भी सोचें कि इसको चैलेंज करें, और ये सियासी मुखालफीन के खिलाफ जो एक सियासी इंतकाम का सिलसिला शुरू हुआ है ये अब बंद होना चाहिए। तहरीरी बयान क्योंकि पहले जा चुका था अगस्त के अंदर, तो अभी उन्होंने जबानी जो है वो जो सवाल किए उनका जवाब दिया।